नमस्कार। प्रेरणा सीरीज़ की इस वीडियो में दोस्तों एक आर्मी पर्सनल की कहानी है सब्बल कंडारी जी की, जो कि इस समय आर्मी में सूबेदार मेजर के पद पे कार्यरत हैं। साथ में उनका मैसेज भी है। ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों कंडारी जी यहाँ पर अकेले नहीं आए हैं, बल्कि वो अपनी बेटर हाफ के साथ यहाँ पर आए हैं, जो कि हाउस मेकर हैं। फिर भी उन्होंने उनको प्रेरित किया और अपने साथ यहाँ पर लाए हैं। और ये देखिए, वो सिल्वर मेडल प्राप्त करती हुई 1500 मीटर की रेस में ये रही और इस समय सर्टिफिकेट ले रहे हैं। चलिए अब कंडारी जी की कुछ कारनामा देखें, उनकी रेस देखते हैं और फिर उनसे कुछ बातचीत करेंगे और युवाओं के लिए उनकी क्या मैसेज है वो सुनते हैं उनसे। देखिए सारे चैंपियंस हैं यहाँ, हर एज ग्रुप के चैंपियंस। देखिए शानदार प्रेरणा के स्रोत हमारे। और ये 400 मीटर 45 प्लस में कंडारी जी दौड़ रहे हैं, जो कि इस कैटेगरी के चैंपियन भी हैं, नेशनल खिलाड़ी हैं। और 5000 मीटर में इनका लगभग नेशनल रिकॉर्ड है 17 मिनट के आसपास का। ये देखिएगा दौड़ रहे हैं अभी। और कंडारी जी इस समय अपने जो प्रतिद्वंद्वियों को बहुत पीछे छोड़ते हुए फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये लगभग उन्होंने और ये अपनी रेस उन्होंने बहुत बड़े फासले से कंप्लीट कर ली है। ये देखिए 45 प्लस के 400 के चैंपियन कंडारी जी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और कंडारी जी की टाइमिंग रही शायद इस समय 4:57, बहुत ही बढ़िया। ये देखिएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सुंदर। ये देखिए कंडारी जी 5000 मीटर और 1500 मीटर के चैंपियन हैं और इस समय अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कंडारी जी इस समय आर्मी में कार्यरत हैं सूबेदार मेजर के पद पर और इस समय देहरादून में पोस्टेड हैं। बढ़िया। ये देखिए ये लीजेंड, देखिए जबरदस्त जबरदस्त। कंडारी जी आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज सबसे पहले फर्स्ट ये है कि फास्ट फूड और अपना जो डिब्बा बंद फूड है उसको अवॉइड करें, ओवर ईटिंग अवॉइड करें और डेली वर्कआउट अपने लाइफ में पक्का उसको जोड़ें, क्योंकि हमारा जो फिटनेस लेवल है ना, इसका हर एक स्टेप जो हम करते हैं सुबह शाम वो हर एक दिन काउंट होता है और हमारी फिटनेस लेवल अपग्रेड होता है उससे। तो हर एक युवा से ये मैसेज, सबसे पहले तो फास्ट फूड को अवॉइड कर दो, बिल्कुल ओवरईटिंग, डब्बा बंद फूड कुछ भी नहीं खाना और ऑयली फूड बिल्कुल ही अवॉइड कर। और मतलब आउटडोर गेम्स पे ध्यान दे बजाय कि जो मतलब एजुकेशन के साथ साथ बहुत जरूरी है। हम अपने साथ के जो युवा देखते हूँ मैं आस पास पे देखता हूँ, मैं हिंदुस्तान में मेरा फर्स्ट या सेकंड प्लेस हमेशा आता है। हाँ तो जरा अपने, हाँ ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे बहुत सारे नेशनल चैंपियंस लोग हैं कि जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल खेला है, तो आप जरा अपने बारे में अपनी जर्नी के बारे में बताएगा सर। मैं तो मैराथन दौड़ता हूँ, फुल और हाफ मैराथन दौड़ता हूँ। हाँ जी ये 25 मैराथन जो बड़ी बड़ी मैराथन हिंदुस्तान की प्रोग्राम होती है, एयरटेल जो कि दिल्ली वेदांता होगी, टाटा मुंबई होगी, टाटा स्टील कलकत्ता होगी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बैंगलोर में होते 10 किलोमीटर, ये सबसे बड़ी मैराथन है जिसमें कि हमारा हर 5 साल के एज ग्रुप में लगभग फर्स्ट प्राइज 45,000, 30,000 और 25,000 होता है आपका इसमें हमेशा, मतलब लगभग फर्स्ट प्राइज आता है सेकंड ही रहा मैक्सिमम। हाँ जी और भी बहुत सारी मैराथन में दौड़ी वडोदरा। अच्छा आप नेशनल के अलावा कभी इंटरनेशनल? इंटरनेशनल जाने का मौका इसलिए मिला क्योंकि छोड़ा ही नहीं गया, मेरे पास पासपोर्ट सब कुछ बना है, लेकिन नेशनल में मेरे उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल है। पिछले साल के 3 गोल्ड मेडल मेरे नाम है, 14 में से 3 मेरे नाम है, तीनों नेगी सर जो कल आए थे उनके नाम। बहुत सारे और पुणे में भी नेशनल में मेरे 3 गोल्ड मेडल 10, 5 और 1500। बहुत और मेरा भाग्य जो मैं इन गोल्ड मैचों के साथ पूरी नाम की मैंने। ये सारे पार्टिसिपेट हैं और भाई साहब भी हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद कंडारी जी, आपका ऐसे ही प्रेरित करते रहे आप। दोस्तों इस प्रेरित वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।